हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो कंसंट्रेशन हाई कर लीजिए। जो हमारा तीसरा चेंजेज है स्पीच का, जो आरएस वाला सेक्शन है, रिपोर्टेड स्पीच वाला, उसके अंदर जो थर्ड चेंज है उसके बारे में आज के वीडियो में अपन स्टडी करेंगे। इसलिए पहले वाले दोनों वीडियो में या तीन वीडियो या चार वीडियो में हमने इसके जो दोनों चेंजेस थे रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, उसके बारे में हमने नॉलेज गेन किया था। आज जो तीसरा चेंज है, जो यदि ऐसे वर्ड होते हैं तो उनको चेंज कर दिया जाता है, नहीं होते हैं तो फिर इस तीसरे चेंज की आवश्यकता वहां पर होती नहीं। तो डायरेक्ट में कैसे वर्ड्स होंगे उनको हमें इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना होगा, क्या लिखना होगा, देखते हैं। रेडी गो। स्टडी का कोई काम नहीं है। दिस चेंज हो जाता है दैट में। दिस को चेंज करते हैं दैट में। दीज चेंज हो जाता है दोज में। ओके, अगो चेंज होता है बिफोर में। नाउ चेंज होता है देन। ये हम पता कर ही रहे हैं कि कौन सा वर्ड किधर चेंज होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है दिस को अपन दैट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस नहीं है कि दैट दिस में चेंज हो जाए। सिंगल साइड रिएक्शन है। दिस को दैट में चेंज करेंगे, दीज को दोज में चेंज करेंगे, अगो को बिफोर में चेंज करेंगे, नाउ को देन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एक ही साइड में रिएक्शन चलती है। थस को चेंज किया जाता है सो। तो इनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। आपको जैसा ये लिखा हुआ है या जैसा हम इनको लर्न करेंगे, जैसा हम इनको याद करेंगे, वैसे ही यूज करने हैं। दिस दैट दीज दोज अगो बिफोर नाउ देन थस सो। इससे आगे वाले भी देखते हैं, तब तक आप शेयर कर दीजिए। आगे देखते हैं हियर। ये चेंज हो जाता है देयर में। टुडे चेंज होता है दैट डे में। टुनाइट चेंज होता है दैट नाइट में। टुनाइट चेंज होता है दैट नाइट में। नेक्स्ट है यस्टरडे। यस्टरडे को चेंज किया जाता है द प्रीवियस डे। यस्टरडे को चेंज करते हैं द प्रीवियस डे। आगे वाले आगे है अपना टुमारो। ये चेंज होता है द नेक्स्ट डे में। लास्ट इसको चेंज करते हैं द प्रीवियस ओके। नेक्स्ट ये चेंज होता है द फॉलोइंग में। हेंस ये चेंज होता है देंस में। आगे देखते हैं जस्ट जो है वो चेंज हो जाता है देन में। आपने देखा पहले कि नाउ जो था वो भी देन में चेंज हो रहा था, जस्ट भी देन में चेंज हो रहा है। आइदर जो है वो
था इधर में चेंज हो जाता है। तो ये वो वर्ड्स हैं जो हमें टाइम और डिस्टेंस से नियरनेस दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, और हमें डायरेक्ट में यदि ये वर्ड हो तो फिर इस प्रकार से इनको हमें चेंज करना, होंगे तो चेंज कर देंगे, नहीं होंगे तो हम जबरदस्ती कहीं से उठा के नहीं लाएंगे और चेंज नहीं करेंगे। यदि वो है उस सेंटेंस में हमें दिए गए हैं तो हम खुशी खुशी उनको चेंज कर सकते हैं, नहीं है तो फिर हमारा काम और भी ज्यादा हेजी हो जाएगा, एक चेंज कम करना पड़ेगा। तो जहां तक अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की बात है, रिपोर्टिंग वर्ब, कंजक्शन और रिपोर्टेड स्पीच, इनके अंदर जो जो नेसेसरी चेंजेज होने वाले हैं उनके बारे में हमने बिल्कुल स्लो, बिल्कुल डिटेल्ड स्टडी की है, एक एक चीज को हमने बिल्कुल पिन पॉइंट सीखा है, देखा है और समझा भी है। अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलेंगे, एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे, तो ये जो हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े हैं इनको हम वहां पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा बेटर वे में हमारे माइंड में क्लियर भी होंगे, अंडरस्टैंड भी होंगे, और नेक्स्ट टाइम के लिए मतलब एग्जाम वगैरह के लिए हमारा जो कॉन्फिडेंस है नरेशन या स्पीच के सेंटेंसेस को लेके वो थोड़ा सा बूस्ट भी होगा, हम ये बिलीफ अपने ऊपर रख पाएंगे कि ऐसे सेंटेंसेस को हम इजीली डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ले जा सकते हैं। तो एक बार जो पहला वीडियो है स्पीच का, वहां से लेकर ये जो वाला वीडियो है इसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप देखेंगे उनको एक बार रिवाइज करिए, पढ़िए, उनको अपने माइंड में इस प्रकार से रखिए कि जो एग्जांपल हमारे सामने होगा उसके अंदर हम उनको किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स एग्जांपल। Wait and watch. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अपन पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का देखेंगे कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप अपन एक से आगे चलते जाएंगे। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का जब हम एग्जाम्पल देखते हैं तो अपन जैसे लिखे आई सेड टू यू आई एम गोइंग टू जयपुर, ये हमने एक बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस लिया है केवल ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन सा रूल हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, किस तरह से उसको अपन इंप्लीमेंट करेंगे अपने सेंटेंसेज में, अपने एग्जांपल में। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कोमा से पहले वाला सेंटेंस जो है वो है आर वी, और ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो है आर एस। अब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वर्ड बाई वर्ड आप सब जो वर्ड्स है उनको देखते जाइए, जहाँ पे जो चेंजेज होना है वो करते जाइए, आपका काम इजी से इजीएस्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आई के अंदर हमें कोई चेंज करना नहीं है, सैड है तो सैड को हम चेंज करते हैं क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है टोल्ड में, सैड को चेंज किया हमने टोल्ड में। टू का हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना, तो हमने रिमूव कर दिया। आगे बचा यू, जो इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो हमने लिख दिया। ओके, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करने के लिए इसको रिप्लेस करना पड़ेगा कंजक्शन से, असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन लगेगा दैट। ओके, उसके बाद में अब ये आई, आई जो है वो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और इसको जब हम चेंज करते हैं तो एस ओ एन अपॉन वन टू थ्री, तो ये सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो आई है, आई दोनों तरफ है और सब्जेक्टिव केस में आई को आई के रूप में ही लिखा जाता है, तो आई को अपन यहाँ पे चेंज करने के बाद में आई लिखा हमने एज ए सब्जेक्ट। उसके बाद में एम और गोइंग ये इंडिकेट करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में ट्रांसफ़र किया जाता है, चेंज किया जाता है।
पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर और आई वर्ब का आईएनजी फॉर्म आई के साथ में हम लिखेंगे वोज। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ में वोज लिखा जाता है, तो ये वोज। इसके बाद में हमें मैन वर्ब लिखनी है, मैन वर्ब में हमें कोई चेंज करना नहीं है क्योंकि सेम होती है दोनों टेंसेज में, तो गोइंग एज गोइंग रहेगा यहाँ पे। उसके बाद में हमें लिखना है टू जयपुर फुल स्टॉप। ये इस तरह से हमने इसको चेंज कर दिया है। जैसे जैसे हम रूल्स को अप्लाई करते जाएंगे हमारा सेंटेंस जो है वो इजीली इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी इस अफर्मेटिव सेंटेंस को करके देखा है। तो कीप वॉचिंग कीप लर्निंग, जितना आप देखते जाएंगे उतना आप सीखते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयर, कीप लर्न, थैंक यू, गुड बाय।